आप जानती हो मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? अब मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। हाँ जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आप कौन? अरे जो आप मिश्रा जी रहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लेकिन मिश्रा जी तो शादी में गए हुए हैं। अरे हाँ, मैंने भी उन्हें फोन किया था तो मैंने सोचा था मैं उन्हें आके सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ आके सरप्राइज मिल गया। अच्छा। तो अब मुझे शाम तक वेट करना पड़ेगा, तो मैं आपके यहाँ इंतजार कर सकता हूँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? श्योर, आइए प्लीज, आइए आइए आइए, बैठिए। पानी ले आऊं मैं आपके लिए? ये लीजिए। अच्छा, आप चाय लेंगे या कॉफी? नहीं, बस कुछ नहीं है, अभी मैंने स्टेशन पे चाय पी थी और पेट काफी भरा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, आप लोग अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे? पहले कभी देखा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हम तो पिछले 3 साल से यहीं पे रह रहे हैं। हमारी शादी के बाद ना हम यहीं पे शिफ्ट हो गए थे और फिर मेरे हस्बैंड भी यहीं पे जॉब करते हैं। अच्छा, कहाँ पे करते हैं जॉब? ये TLM कंपनी में। क्या बताऊँ मैं आपको, इतना ट्रैफिक होता है। सुबह तो टाइम से 7 बजे चले जाते हैं, लेकिन ऑफिस से आते हुए फिर वही 2 घंटे का ट्रैफिक, 8-9 बज जाते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं आने का। काफी मेहनती हैं। बहुत ज्यादा मेहनती हैं। और बच्चे? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, बच्चे तो अभी प्लान ही नहीं किए हैं उन्हें। और सास ससुर? सास ससुर तो वही गाँव में ही रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं यहाँ पे। 2 बंदों के हिसाब से तो काफी बड़ा घर है। अच्छा घर है, बड़ा। हाँ जी, हाँ जी, 3 कमरे हैं, लॉबी है, किचन है, 2 बाथरूम है और फिर इतना बड़ा बरांडा भी है बाहर। और आपको एक बात बताऊं, जब से इधर बिल्डिंग बनी है ना, तब से तो शोर का नामो निशान ही खत्म हो गया है। मतलब अगर हम यहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ का शोर तो बाहर जाएगा ही नहीं, इतनी शांति होगी यहाँ पे। यानी यहाँ का शोर बाहर नहीं जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा शांति होगी। और मिश्रा जी भी नहीं है नीचे? आप जानती हो मैं कौन हूँ? आप अभी आपने बताया था मिश्रा जी के भांजे हो आप। तुमने मेरी कभी उनके साथ तस्वीर देखी है, या उनके साथ देखा हो मेरे को, या कभी मोहल्ले में देखा हो? नहीं। आप कौन हैं? मैं वो अनजान इंसान हूँ जिसे 1 घंटे पहले तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुम्हारा पति TLM कंपनी में जॉब करता है, उसे आने जाने में 2-4 घंटे लगते हैं, है ना? और बच्चे तो हैं ही नहीं, और सास ससुर गांव में रहते हैं, और तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं, 1 बरामदा है, और घर की आवाज़ बाहर जाती नहीं है। इन शॉर्ट, तुम घर में अकेली हो। अब मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। देखिए देखिए, आप कौन है प्लीज? आप रिलैक्स, आप घबराइए मत, मैं इस एरिया का सीनियर इंस्पेक्टर राहुल अरोड़ा हूँ। आप जैसे भोले लोगों को अवेयर करने के लिए हमने एक सीक्रेट ऑपरेशन तैयार किया है। आप लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी अनजान व्यक्ति को घर के अंदर आने देते हैं। अगर वो कहता है कि आपका रिश्तेदार है, आप लोग कन्फर्म भी नहीं करते हैं, और उसके बाद हमें क्या सुनने को मिलता है? मर्डर हो गया, चोरी होगी, रेप हो गया, है ना? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आइए मेरे साथ। हम सबसे पहले तो गलती पता क्या करते हैं, हम इस गेट से आवाज़ सुन के देखते हैं कि हमारे जानने वाला है या नहीं, और उसको अंदर आने देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना हमने, ये जो सेफ्टी गेट है आपके घर में तो है, आजकल लोगों के घरों में नहीं होता, और हम एडवाइस देते हैं कि लोगों के घर में सेफ्टी गेट होना चाहिए। इसको आपने बंद रखना है और यहाँ से देखना है कि आपका जानने वाला है तो ही उसको अंदर आने देना है, नहीं तो नहीं आने देना, समझ रहे हो? हाँ जी सर। दूसरी बात,
अगर कोई भी व्यक्ति आपको आके कहता है कि आपके पड़ोसी का रिश्तेदार हूँ या इसका उसका जो भी आके कहता है, सबसे पहले आप फ़ोन पे कंफर्म कीजिए कि आपका नॉन टू है भी या नहीं, ठीक है? ओके सर। तीसरी बात, अगर आपकी कोई भी पड़ोसी की जान पहचान का बंदा है और आपने उसको अंदर आने दिया तो आपने उसको घर की कोई भी जानकारी नहीं देनी। यस सर। ठीक है, हाँ जी। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुमने किसी को भी ये नहीं बताना कि तुम घर पे अकेली रहती हो। झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलो कि अभी घर के बाहर गए हैं, आने वाले हैं, वो करने गए हैं, सब्जी लेने गए हैं, या मम्मी पापा अंदर सो रहे हैं, या फिर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे मेरे हस्बैंड, यही बोलना। किसी को भी ये नहीं बताना तुमने कि मैं घर पे अकेली रहती हूँ। यस सर। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज आपने मेरे को जीवन का इतना बड़ा सबक दिया है। अगर आज आपकी जगह कोई गलत इंसान होता तो सर पता नहीं क्या कुछ हो गया होता। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी, मैं अब चलता हूँ और होप करता हूँ आप मेरी बातों पे अमल करेंगे। जी सर, जरूर। दोस्तों, पहले का समय अलग था पर अब का वक्त बदल चुका है। अब कोई इंसान अगर हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो किस इंटेंशन से कर रहा है, या अगर अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उसके मन में क्या है, ये समझना और जानना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे टाइम पे किसी अनजान पे विश्वास करना गलत है। इसलिए सावधान रहें, खुद समझदार बन के रहें और जो जो चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई है उस पर ज़रूर अमल करें। थैंक यू।